इंट्रोडक्शन टू आकुपेल सेफ्टी एंड हेल्थ केस स्टडी एज अ ट्वेंटी टू ईयर्स ओल्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर विद एलेवन मंथ्स एक्सपीरियंस ऑन द जॉब बॉब एड फाइनली मेड इट सिंस ग्रेजुएटिंग हाई स्कूल बॉब है ल लॉट ऑफ थिंगस बट दे जस्ट नैवर सीम्ड राइट फॉर दैम ये जो केस स्टडी है ये ट्वेंटी टू ईयर ओल्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर की है जो अलेवन मंथ का एक्सपीरियंस जॉब पर लेने के बाद ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है उसके बाद फिर ये देखा गया है कि विद हिज़ न्यू जॉब एवरीथिंग वॉज टर्निंग्स आउट ग्रेट नई जॉब में तमाम चीज़ें ठीक चल रही थी कैसे ये रिसर्च से साबित है कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर इस चीज़ को देखा गया है कि तो जो एम्प्लाई सेटिसफेक्शन है वो यू शेप होती है यू शेप का मतलब है स्टार्ट में इंप्लाई मोटिवेटेड होता है कमिटेड होता है लाइलिटी लेवल हाई होता है लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम दिस विल बी डिक्रीज बट इन द लेटेस्ट स्टेज वेन ही विल बिकम द पार्ट ऑफ सीनियर मैनेजमेंट दैन ऑटोमेटिकली इट विल आल्सो बी इंक्रीज जब आप लोग सीनियरिटी में पहुंच जाते हैं जब 45, 50, 55, 60 के नज़दीक होते हैं तो यू विल बी पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग ऑफ द दर्गेनाइजेशन तो ऑटोमैटिकली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप लोगों की रिस्पॉसिबिलिटी इन्हांस हो जाती हैं प्रमोशन मिल जाती है डिसीजन मेकिंग में आप आ जाते हैं सैलरी बेनिफिट्स बेटर होते हैं अदर प्रविलिज इनक्रीज हो जाती हैं जिनकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन लेवल आप लोगों का मोटिवेशन लेवल इन्हांस हो जाता है ही वॉज गोइंग टू द नेक्स्ट डे टू साइन द पेपर फॉर द ब्रैंड न्यू पिकअप ट्रक बॉब नवर मेड इट टू द डीलरशिप टू साइन दोज पेपर अब यहाँ पे इस केस स्टडी में ये बयान किया गया है कि वो जो बॉब एक शख्स है वो डीलरशिप की अथोराइजेशन उसको मिल गई कि वो दे सकता है लोगों से डीलिंग कर सकता है डिस्कशन कर सकता है नगोशिएट कर सकता है और डिसीजन मेकिंग का हिस्सा है मे बी ही वॉज डिस्ट्रैक्टेड थिंकिंग अबाउट द किलर पिक अप दैट ही वॉज अबाउट टू पर ही नेवर रियलाइज हाउ डेंजरस इट एक्चुअली वाज टू वर्क ऑन दैट स्कैफ होल्डिंग अब यहाँ पे इस चीज को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है डी स्टूडेंट्स की जो केस स्टडीज है मैं रिकमेंड करता हूँ कि ये जो बुक है इसको थाधोली भी आप देख लीजिएगा इस केस स्टडी के अंदर डिटेल ये बयान की गई है ये जो साद इसके पिक्टोरियल इफ़ेक्ट है लेफ्ट साइड पे किलर इसमें ये देखा गया है कि अभी ये जो एक साइट के ऊपर ये चीज़ें डेवलप की गई हैं चांसेस है, है यहाँ पे किसी किस्म का एक्सीडेंट होने का लेकिन जब भी यहाँ पे कोई एम्प्लाई हेल्थ एंड सेफ्टी मैकानिज़म डेवलप करने के बाद आएगा ऑटोमेटिकली तो एक्सीडेंट के चांसेस इंजरी के चांसेस कम हो जाएंगे After all, it was only twenty feet off the ground, and it looked safe. Bob had worked on wet scaffold before, and although it was wet from the rain the previous nights, nothing had ever happened to make him concerned about working at those heights. अभी जो heights बनाई हुई हैं, जो 20 बीस feet ground level से above हैं, और तमाम चीजें बिल्कुल आपस में properly store की गई हैं, आपस में properly एक दूसरे के साथ attached हैं. और तुम जो सिविल इंजीनियर है हमारा मकैनिकल डिपार्टमेंट्स है या वो लोग जो हेल्थ एंड सेफ्टी को इंश्योर कर रहे हैं उन लोगों ने इसको देखा है कि वहाँ पे किसी किस्म की कोई इंसिडेंट्स ना पेश आ सके बॉब्स वर्ल्ड चेंज वेन ही फेल दो फ्यू फीट टू द ग्राउंड हिज फॉल पुट हिम इन अ व्हील चेयर पैरलाइज फ्राम द वेस्ट डाउन हाउ दिस हैपन इट वॉज हैपन ड्यू टू सेफ्टी इट वॉज हैपन ड्यू टू ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ

मोर दैन फर्स्ट एड एक्टिविटीज एंड इज फार रीचिंग इन बोथ स्कोप एंड प्रैक्टिस फर्स्ट एड से ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि बॉब की हेल्थ रिकवर हो सकती थी बॉब इज नो परमानेंट पैरालाइज्ड परमानेंट व्हील चेयर पे है क्यों एक्सीडेंट्स होने की वजह से हाल तो कि वहाँ पर बीस फिट हाइट बहुत ज़्यादा हाइट नहीं है लेकिन अगर उसको एस ओ पी को फॉलो अप नहीं करेंगे तो चांसिस ऑफ एक्सीडेंट्स आते हैं ऑकुपेशनल सेफ्टी एंड पीपल बाई प्रिवेंटिंग दैम फ्राम बींग इंजर्ड आर बीमिंग इन देयर वर्क प्लेस ये जो स्टेटमेंट ये स्टूडेंट्स मैंने बोली है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको दोबारा देखते हैं ऑक्युपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ ये जो ऑकुपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ है इट इन्वॉल्व हेल्पिंग पीपल लोगों को ये इन्वॉल्व्स करती है जिसमें हम लोगों को हेल्प करें कैसे बाय प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम बीइंग इंजर्ड कि वो इंजर्ड ना हों इंजर्ड होने से पहले उनको कैसे रोका जा सकता है या बिकमिंग इल और बिकमिंग इल कि वो बीमार हो जाएं परमानेंट पैरालाइज हो जाएं या कोई उनके फ्रैक्चर हो जाए ड्यू टू हैजर्ड्स इन दे वर्क प्लेस हु इज रिस्पॉन्सिबल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ

तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है नो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ हैज बिकम एन इम्पोर्टेंट इशू कंपनीज आर अटेम्पटिंग टू रिमेन प्रॉफिटेबल इन एन एवर मोर कम्पेटिव ग्लोबल इकोनॉमी अभी हम डिस्कस कर रहे थे कंपेटिवनेस अभी करंटली मैं डिस्कस कर रहा हूँ हेल्थ एंड सेफ्टी इन कॉन्सेप्ट के बगैर आप कभी भी कंपेटिवनेस को ग्लोबल मार्केट में अचीव नहीं कर सकते द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन इज़ दर्गेनाइजेशन विच इज़ वर्किंग इन यूनाइट स्टेट ऑफ अमेरिका इन एंड एक्सिलेंट वे दैडरल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्क प्लेस सेफ्टी एंडम्प टू एड्रेस द सेफ्टी एंड कंसर्नस फेस्ड बाई अमेरिकन अमेरिकन चाहे वो किसी भी आर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं स्मॉल मीडियम लार्ज जो वहाँ पे स्टैंडर्ड्स हैं उनको एस ओ पी के मुताबिक ऑपरेट करना इम्प्लीमेंट करना लाजम है और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन ये लोग एंश्योर करते हैं कि हेल्थ एंड सेफ्टी के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको इंप्लीमेंट किया जा रहा है कि नहीं अल्टीमेटली ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन के जो पॉइंट्स हैं इन सब का बेनिफिट्स इंप्लाइज को ही मिलता है तो वाई शुड नॉट वी प्रैक्टिस दीज प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इन प्रिंसिपल को क्यों ना फॉलो करें हमें ये प्रिंसिपल्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करने चाहिए क्योंकि इनकी मदद से आप लोग सीरियस इंजरीज आप लोग तमाम किस्म के एक्सीडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुख्तु किस्म के हैजर्डस केमेंट से अपने आप को बचा सकते हैं अर्ली हिस्टोरिकल एग्जामिनेशन ऑफ आकोपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एनशेंट ग्रीक एंड रोमन फिजिशंस द यूरोपियन एंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ये दो पॉइंट मैंने दिए स्टूडेंट्स आपके लिए नोट डाउन किए हैं एनशेंट ग्रीक अगर हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव में देखा जाए तो सौ दो सौ साल पहले उस तरह के हेल्थ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स नहीं थे जो हम लोगों ने लास्ट टू सेंचुरीज में डेवलप किए हैं और ये सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ही नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ये स्टैंडर्ड डेवलप किए गए हैं अकलास द ग्लोब जिनकी वजह से दुनिया के अंदर आई एस ओ स्टैंडर्डाइजेशन एग्जिस्ट कर रही है और आई एस ओ स्टैंडाइजेशन का एक फ़ायदा ये है कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट्स चाहे अक्रॉस द बॉर्डर पाकिस्तान इंडिया चाइना बांग्लादेश में बन रही हैं अगर वो आई एस ओ के स्टैंडर्ड्स तमाम फॉलो कर रहे हैं तो वो प्रोडक्ट सिमिलर स्टैंडर्ड्स की है आइडेंटिकल है उसके चांसेस हैं क्यों ऐसा है आई एस ओ में अगर बीस प्रिंसिपल्स हैं उन सबको को किया जाएगा कि उस प्रोडक्शन प्रोसेस में उनकी इंप्लीमेंटेशन है कि नहीं और यूरोपियन द एंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो एग्जिस्ट हुई है दुनिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद अब सबसे सेक्टर भी आ चुका है लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने सबसे ज़्यादा दुनिया में प्रोग्रेस की है इन दोनों कॉन्सेप्ट में अगर आप लोग ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के कंसेप्ट को एलिमिनेट कर दें तो आप कभी भी ऑर्गेनाइजेश कम्पेटिवनेस को अचीव नहीं कर सकते